आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी के गंगोत्री विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान करते ही सियासत गर्मा गई है। वहीं कर्नल अजय कोठियाल इस सीट पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सीधे चुनौती देंगे। इसी को लेकर आप नेता कर्नल कोठियाल ने कहा कि उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में उनका चयन उत्तराखंड पुनर्निर्माण संकल्प के अभियान का एक हिस्सा है। उत्तराखंड नवनिर्माण का आम आदमी पार्टी ने एक संकल्प ले रखा है, इसी के तहत आज पार्टी ने एक अहम डिसीजन लिया है कि अगर गंगोत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ। ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। हम जरूर आज इस जरिए से समस्त उत्तराखंड को एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल पहाड़ों में बहुत घूम रहे हैं गंगोत्री के इलाके में, और हमको बहुत अच्छे विचार से लोग देख रहे हैं, हमको उम्मीदों से देख रहे हैं। हम यकीन दिलाते हैं जो नवनिर्माण का हमने जो संकल्प लिया है वो हम पूरा का पूरा उस तरीके से करेंगे जो हमसे उम्मीद करी जाती है। धन्यवाद।